दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस अप्रैल महीने में दो न्यूक्लियर बम की बातें किए हैं सीईओ मिस्टर एस, मतलब हमारे खुशियों के दो बड़े धमाके होने वाले हैं। अब बहुत सारे फाउंडर सोच में पड़े हैं कि आखिर वे दो बड़े धमाके किन चीजों के रिगार्डिंग होंगे, यानी वो किस चीज के धमाके होंगे। अब वो कनेक्ट को पहला न्यूक्लियर बम मान लें तो फिर दूसरा न्यूक्लियर बम कौन सा है। कुछ फाउंडर्स के तो यह भी कहना है कि ओ कनेक्ट तो हम बहुत पहले से सुनते देखते आ रहे हैं, इसलिए ओ कनेक्ट को न्यूक्लियर बम के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और अब इस मंथ में बचे ही कितने दिन हैं, मुश्किल से और 3-4 दिन। यह भी हो सकता है कि जो चीजें इस मंथ में होना था वो सब नेक्स्ट मंथ में हो, बट कुछ ना कुछ कोई बड़ा धमाका तो जरूर होने वाला है। तभी सब कुछ बिल्कुल शांत सा लग रहा है, जैसे किसी बड़े तूफान के आने का खूबसूरत संकेत हो। अभी तो ऑन पैसिव मैनेजमेंट से लेकर फाउंडर्स तक इकोसिस्टम में लगे हुए हैं। अगर फाउंडर्स की बात करें तो कोई एग्रीमेंट साइन करने में लगा है, तो कोई अभी से ही अपना एफिलिएट लिंक भी शेयर करने लगे हैं, कोई ओ कनेक्ट के 14 दिनों के फ्री ट्रायल को स्टार्ट करने में लगे हैं, तो कोई ओ कनेक्ट पे जाके उसके एक एक फंक्शन को, फीचर्स को रीड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ओ कनेक्ट का ज्वाइनिंग लिंक लोगों को सेंड करते और एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे से बातें शेयर करते, एक दूसरे को सुनते, बट अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। लगता है अभी भी एक दिन का समय लगेगा इसमें। या फिर यह भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट वेबिनार होने के बाद से ही हम इसे सही तरीके से यूज कर सकें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे वर्क चल रहे हैं हमारे टेक टीम के द्वारा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उम्मीद है इस हफ्ते कॉर्पोरेट वेबिनार होने का, फ्राइडे को भी हो सकता है या सैटरडे को भी हो सकता है। कॉर्पोरेट वेबिनार बहुत जल्दी होना है ये तो फिक्स है, बट किस दिन होना है इसके अनाउंसमेंट अभी नहीं हुए हैं। हो सकता है कल परसों तक में ही पॉपअप शो होने लगे बैक ऑफिस में, क्योंकि वैकेंट पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। अगले कई महीनों तक के प्लानिंग बन गए होंगे मिस्टर एस के पास, कब क्या करने हैं। भले हम नहीं जान पाए इन सब के बारे में, बट नेक्स्ट मंथ की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही होंगी। दोस्त, अगर 26 अप्रैल से भी हम ओ कनेक्ट के फ्री ट्रायल को 14 दिनों का जोड़ के चलें तो नेक्स्ट मंथ के 9 तारीख तक यह फ्री ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ओ कनेक्ट पब्लिकली लॉन्च होगा और फिर उसी के साथ हमारे पैकेज परचेज करने के भी काम शुरू हो जाएंगे। इसके बाद खुशियों के धमाके ही तो होने हैं। बहुत सारे फाउंडर्स मित्र के मैसेजेज आते हैं, सर न्यूक्लियर बम वाला धमाके हो गए हैं अभी बाकी है। दोस्त, अब न्यूक्लियर बम की बातें किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहे थे सीईओ मिस्टर एस, ये तो बस वे ही जानते होंगे। हम तो बस अपने अपने हिसाब से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हम ऑन पैसिव में एजेंट नहीं है, हम इसके फाउंडर्स हैं। जब तक ऑन पैसिव रहेगा दुनिया में, हमारा फाउंडर पोजीशन भी साथ साथ रहना है। हमें ऑन पैसिव की एक एक बातों को, एक एक चीजों को पॉजिटिव वे में लेना होगा। आज बहुत सारे फाउंडर्स मित्र कहते हैं बहुत देर हो रहा है एप्पल्स आने में, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। दोस्त, हम ऑन पैसिव से नहीं जुड़े होते तब भी तकलीफें होती और शायद जीवन भर होती, थोड़ा देर ही सही, तकलीफें दूर होते हुए नजर तो आ रहे हैं। यह सही बात है कि यहां इनकम स्टार्ट होने में समय लगा है। जिन कंपनियों में हमें आज की आज इनकम स्टार्ट हो जाते थे, हमें परिणाम पता है उनका, जो जल्दी स्टार्ट हुआ है वह अक्सर गया भी बहुत जल्दी है। इन सब कंपनियों के चलते हमें बहुत सारे खामियाजे भी भुगतने पड़े हैं, हमारे समय भी लगे हैं वहां। जो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किए थे सब के सब डूब गए, अपने माध्यम से कुछ कमीशन के चक्कर में हमने कुछ औरों के भी डुबा दिए, अपना फेस वैल्यू भी खराब कर लिए। आज भी बहुत सारी कंपनियां हमारे इंडिया में रन कर रही हैं, आज इन्वेस्ट करिए और आज से ही पे आउट लीजिए। कोई डेली का 1% दे रहा है, कोई 2% दे रहा है, कोई कोई कंपनियां तो इससे भी अधिक दे रही हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल ओपन करके हम सबसे पहले यही देखना चाहते हैं कि कंपनी अभी है या चली गई, वेबसाइट चालू है या बंद हो गया है, क्योंकि हमें भी पता है कि आज का आज अभी का अभी भी बंद हो सकता है। बहुत जगहों पर हमारे आज की आज पे आउट आने शुरू हो गए थे, क्या कर लिया हमने। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि हम खासकर इंडियन फाउंडर्स में से 80-90% फाउंडर्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं अपने बहुत बड़े पूंजी का नुकसान किए होंगे, साथ साथ उनके फेस वैल्यू भी खराब हुए होंगे। दोस्त, ऑन पैसिव से हम जब से जुड़े हैं एक पैसे का भी पे आउट नहीं आया हमारा, अभी ये स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बट इतना जरूर जान लीजिए, भले इनकम स्टार्ट होने में यहां देर हुआ है, मगर जिस दिन से भी यह स्टार्ट हो जाएगा फिर यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है कभी। यह हमें सफलता के शिखर पे पहुंचा के ही दम लेगा। दोस्त, यहां सब कुछ ऑटोमेटिक है, बस शुरू होने भर का देर है, ग्रो होते देर नहीं लगेगा। नेक्स्ट मंथ कुछ और होगा, उसके नेक्स्ट मंथ कुछ और ही होगा, उसके नेक्स्ट मंथ कुछ और होगा, तो उसके नेक्स्ट मंथ दृश्य कुछ और ही होगा। हमें कभी बैक नहीं जाना है, बस समय से आगे ही बढ़ते जाना है। एक बात आज और कहना चाहूंगा आपसे, हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं,
इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारे माध्यम से जिनके भी पैसों का नुकसान हुआ है किसी भी कंपनी में, वो हमारे ऊपर बहुत भरोसा किए होंगे, विश्वास किए होंगे, तब जाके हमारे कहने से किसी कंपनी में उसने अपने जीवन के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को इन्वेस्ट किया होगा कि चलो भविष्य कुछ बेहतर हो जाएगा। यहां तो कंपनी ही भाग गई, बेचारे का भविष्य और भी अधिक अंधकार में दिखने लगा। दोस्त, ऑन पैसिव में जब सक्सेस हो जाना, उन एक एक के दरवाजे पे जाके उनके मूलधन के साथ साथ कुछ और भी पैसे बढ़ा के जरूर दे आना। हमें किसी के बददुआ नहीं लेने हैं, हमें दुआ कमाने हैं। ऑन पैसिव का मिशन ही है दूसरों के हेल्प करना, और हम सभी फाउंडर्स किसी भी जरूरतमंद के हेल्प करना चाहते भी हैं। हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले उनके हेल्प करना जिन बेचारे के पैसे हमारे वजह से डूबे हैं किसी कंपनी में, वरना हम कल के डेट में फॉर्चूनर या BMW से भी चलेंगे तो वह देखकर हंसेगा हम पर कि सैकड़ों घर में अंधेरा करके अपने घर को रोशन करने चला है। दोस्त, यकीन मानिए, ऑन पैसिव ही है जो हमारे फेस वैल्यू को पहले से भी अधिक बेहतर कर सकता है। अगर आज ये नहीं होता तो हम बहुतों के बद्दुआ लेकर जाते यहां से, हमें अच्छी निगाहों से कोई नहीं देखता। दोस्त, इसीलिए कहा जाता है ऑन पैसिव के एक एक फाउंडर्स इतिहास रचने वाले हैं। यह इतिहास ही तो बनेगा जब हम उन लोगों को दरवाजे पे जाके उनका पैसा लौटाएंगे जो हमारे माध्यम से किसी कंपनी में लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे। सोचिए कितनी दुआएं मिलेगी हमें। या उन्हें भी पता है कि पैसा कंपनी लेकर भागी है, हम सिर्फ एक माध्यम है कंपनी और उनके बीच में। फिर भी अगर हम उन्हें उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अपने जेब से लौटाएंगे तो सोचिए कितनी खुशी होगी उन्हें, चूंकि उन पैसों का उम्मीद वे छोड़ चुके हैं। दोस्त, इसीलिए कहा जाता है ऑन पैसिव के फाउंडर्स के पैसों पे फोकस मत करिए, वैल्यू पर फोकस करिए। आज यह बातें बिल्कुल सही साबित होते हुए दिख रही हैं। आज हम जरूरतमंद के लिए हॉस्पिटल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनमें प्रतिभा तो बहुत है बट पैसे ना होने की वजह से किसी हाईटेक स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, उनके लिए स्कूल खोलना चाह रहे हैं। हजारों जरूरतमंद के हेल्प करना चाह रहे हैं, जिनके पैसों का नुकसान हमारे माध्यम से हुआ है उसे वापस करना चाह रहे हैं। यही तो वैल्यू है दोस्त। ऐसा करने से जो लाखों लोगों की दुआएं मिलेगी, हमें मान सम्मान मिलेगा, यही तो रियल सक्सेस है, यही रियल वैल्यू है। अब चलिए दो चार मित्रों के क्वेश्चन ले लेते हैं। विकास दास जी लिखते हैं, सर क्या रिसेलर्स के एफिलिएट लिंक को कंपनी प्रमोट करेगी या रिसेलर्स को खुद से ही शेयर करना होगा? विकास जी, अगर रिसेलर्स भी प्रोडक्ट पैकेज ट्रैफिक पैकेज लेता है तो बिल्कुल कंपनी उसके एफिलिएट लिंक को प्रमोट करेगी, इससे उस रिसेलर्स को भी फायदे होंगे और उससे फाउंडर्स को भी फायदे होंगे। मेरे समझ से ऐसा जरूर होना चाहिए। सुवेश कुमार जी लिखते हैं, सर सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा, बहुत कर्ज में डूब गया हूं, अब लगता है सिर्फ ऑन पैसिव ही मेरा सहारा है। सुवेश जी, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। अगर आपको लगता है कि अब ऑन पैसिव ही आपका सहारा है तो आप 100% सही हैं। धैर्य रखें, आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी। अजय सिंह जी लिखते हैं, 1 अप्रैल 2023 को एस सर ने 2 न्यूक्लियर बम के बारे में बोला था, अब अप्रैल में 4 दिन रह गए हैं, कोई अपडेट नहीं है इस बारे में। अजय जी, ऐसे तो अब कोई ना कोई धमाके होते ही रह रहे हैं, उम्मीद है इस हफ्ते कॉर्पोरेट वेबिनार होने का, हो सकता है इसके रिगार्डिंग कुछ नए अपडेट मिले हमें। अगर इस महीने ना गिर के नेक्स्ट मंथ में ही गिरे तो क्या दिक्कत है, सब कुछ होगा, वेट करें। नंदी कुमार सिंघा जी का क्वेश्चन है, मेरे बेटा का माइनर अकाउंट को मैंने अपने नाम पे ट्रांसफर कर लिया, एनडीए सिग्नेचर भी कर दिया, लेकिन ओ फाउंडर में एनडीए सिग्नेचर बेटे के जगह मैंने कर दिया था, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा फ्यूचर में? नंदी जी, मैं पहले भी बता चुका हूं, ओईएस के एनडीए सिग्नेचर का ओ फाउंडर्स के एनडीए सिग्नेचर से कुछ भी मतलब नहीं है, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंजॉय करें। नेमचंद पटेल जी लिखते हैं, सर जी आपके वीडियो को देखकर हमारे रोम रोम में केवल ऑन पैसिव भी चलता है। नेमचंद जी, ऑन पैसिव ऐसा कॉन्सेप्ट ही है कि फाउंडर्स के रगों में सिर्फ ऑन पैसिव ही दौड़ता है। राजेश कुमार अग्रवाल जी लिखते हैं, नेशनलिटी प्रोफाइल के अंदर सेव नहीं हो रहा है, क्या करें, एनडीए साइन करते वक्त नेशनलिटी सेलेक्ट नहीं कर पाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? राजेश जी, प्रयास करते रहें, क्योंकि ओईएस में अभी लगातार वर्क चल रहे हैं, हो सकता है अभी सिलेक्ट ना हो रहा हो, बाद में सिलेक्ट हो जाए, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपका फाउंडरशिप 100% सुरक्षित रहेगा। बहुत लोगों का नेशनलिटी सिलेक्ट करना छूट गया है, कोई ना कोई अपडेट इस पे भी मिलेगा हमें या फिर सिलेक्ट होने लगेगा। दोस्त, जैसे ही हमारा ओ कनेक्ट रनिंग में आ जाता है, मैं ओ कनेक्ट से रिलेटेड एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, कैसे लिंक क्रिएट करें, मीटिंग ऑर्गेनाइज कैसे करें, बस थोड़ा वेट करें। उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।